बढ़िया आया बाका पूछने। बाबा आप तो रिलैक्स रहे ना। अश्वी को देखा था कैसे घूरा था मुझे। वो तो है ही पैदाइशी बदतमीज। ऐसे आए जैसे बहुत एहसान कर रहे हो हम पे। आपने भी बहुत अच्छा किया, बिल्कुल मुंह नहीं लगाया उन लोगों को। बस आप रिलैक्स रहे, परेशान मत हो। हाँ मैं रिलैक्स हूँ। कोई शर्म हो या नहीं, मुंह उठाया और चले आए। हाँ जैसे दो रहा। डोंट वरी, अब नहीं आएंगे। आएंगे तो टांगे तोड़ो। बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसी तबीयत है बम ये की? हाँ वालेकुम अस्सलाम, हाँ बेहतर है। मैं जरा डॉक्टर को रिपोर्ट चेक करवा के आया। तुम्हें किसने बताया अब्बा मियां का? अश्विन। तो तुम उस चीपस्टर के कहने पर यहाँ आए हो? क्यों, मेरा कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे साथ। कैसी अजीब बातें करने लगती हो यार तुम भी बाल सफा। प्लीज मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा नहीं लेता यार, ये तो बताओ अब्बा मियां क्या हो गया अचानक? अचानक नहीं, प्री प्लान था। बताती हूँ मैं तुम्हें किस तरह से लोग इमोशनली टॉर्चर करके अब्बा मियां को वीडियो कॉल्स कर रहे थे। क्या वाकई बात की तुम्हारे अब्बा मियां ने? हाँ ना, बिल्कुल ठीक थे वो, बल्कि मजे से बैठकर एप्पल खा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है। कि थोड़े से ब्लड प्रेशर पर कौन जाता है एम्बुलेंस में? पता तो है आपको, पर का कव्वा बनाने में तो पीएचडी की हुई आपके शर्जी भैया के खानदान ने। अच्छा ये बता, मेरा पूछा उन्होंने? ऑफ कोर्स भी अम्मा, सारा खानदान जानता है कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे। इसी मोहब्बत को तो नजर खा गई इनकी अपनी औलाद की। अच्छा बिट्टो बीच में ना बोला कर। अश्वी बेटा अभी ले जाएगा ना मुझे मिलाने के लिए? जी मैं अभी अभी तो बना दो कोई बहाना, निकाल लो अपनी पोटली में से कोई नई मसरूफियत। तंज करने में तो आप बिल्कुल अपने दोनों भाइयों पे गई हैं। मैंने कब मना किया? इन्हीं हाथों से मार मार कर तुम्हें और मानो को यहाँ तक बड़ा किया है। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। एक तो बिट्टू तुम हर जगह अपना खाता खोल लेती हो, बताना बेटा लेकर जाएगा ना? जी भी अम्मा, कल चलते हैं। अपनी माँ को मत बताना, पहले ही शाम से क्रॉकरी की शामत आई हुई है, 3 कप तोड़ चुकी है। नहीं वो तो लट्टू की बर्थडे पार्टी खराब होने की वजह से मूड ऑफ है उनका। वाह मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं, इतने साल गुजारे आखिर इन भाभियों के साथ। अब्बा मियां आपने तो डरा के ही रख दिया था। डरने की क्या बात है यार, ये मुझे बताओ वहां से कोई आया? कहां से? अब ये तुम्हें बताना पड़ेगा कहां से। वो अश्वी और फराज भाई आए थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी आपसे नहीं मिल सकते। डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने मना किया? अब हमें छोड़े ना। अच्छा मेरी बात सुनो, कल यूनिवर्सिटी जाओगी ना तो अश्वी से कहना कि दादी को कुछ ना बताए, मुझे परेशान हो जाएगी वो। मैं कह दूंगी उसको। अच्छा अभी आपको थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ सांस ले लें, अब दिमाग खराब है।